And James student, welcome back to the channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for IPSC board students. Yes, आप हैं मेरे superstars और आपके लिए ही आज शुरू कर रहे हैं nitric acid, एक ऐसा acid जो explosives बनाने के काम आता है, fertilizers बनाने के काम आता है, dyes and drugs बनाने के काम आता है, perfumes बनाने के काम आता है और इतना strong है कि ये oxidizing agent के रूप में use होता है. Even metals को भी ये oxidize कर सकता है. जी तो आज बारी है इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले एसिड नाइट्रिक एसिड की बारी. चलिए, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड जो फ्री स्टेट में रेन वॉटर के साथ आ सकता है. हाँ, रेन वॉटर में ही नाइट्रिक एसिड होता है. क्या कहा, कैसे, अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि हाउ इन एटमोस्फियर नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म. नाइट्रिक एसिड कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है मेटल नाइट्रेट्स के रूप में. हाँ, सोडियम नाइट्रेट्स, अल्मोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट. और नाइट्रिक एसिड को एक्वाफोर्टिस के नाम से जाना जाता है. क्यों, एक्वाफोर्टिस मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर. क्यों, क्योंकि इट रिएक्ट्स नियरली विद ऑल मेटल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स. बहुत डिटेल में समझेंगे नाइट्रिक एसिड को. आइए समझते हैं कैसे नाइट्रिक एसिड हमारे एयर में, हमारे नेचर में भी फॉर्म हो रहा है, हमारी एटमोस्फियर में. इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं जब रेन स्टार्ट हो रही होती है, बिगनिंग ऑफ द रेनफॉल में बाहर नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है. जिसमें रेनफॉल 5.6 पीएच से कम हो, समझ जाइए वो एसिडिक रेन है. अब आता है नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में. तो जब नाइट्रोजन जो कि हमारे एयर में ऑलरेडी मौजूद है 78%, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है. नॉर्मली नाइट्रोजन एक पैसिव, एक लेस रिएक्टिव गैस है. तो नाइट्रोजन कब कंबाइन करती है ऑक्सीजन से, जब जब लाइटनिंग डिस्चार्ज हो रहा होता है, एक वेरी हैवी, यस वेरी हैवी लाइटनिंग डिस्चार्ज के दौरान ये नाइट्रोजन ऑफ द एयर combines with the oxygen, approximate temperature है 3000 degree centigrade और form करता है compound nitric oxide. Nitric oxide एक unstable सा compound है, ये further oxidize हो जाता है और बन जाता है एक reddish brown gas, nitrogen dioxide gas. Nitrogen dioxide rain water के साथ और oxygen के साथ combine होके form करती है nitric acid. Reaction important है, आपको याद होना चाहिए. तीन stage में nitric acid बन रहा है, तीन reactions में बन जा रहा है. तो इस तरह से हमारे nitrogen में जो हमारे एयर में जो फ्री नाइट्रोजन मौजूद था वो भी नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. आप लैब में मौजूद नाइट्रिक एसिड कुछ इस रूप में देखते हैं. हाँ, कुछ आपको येलोइश कलर दिखता है. क्यों, आपके लैब में नाइट्रिक एसिड येलोइश क्यों है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 68% कॉन्सेंट्रेटेड है. और ये येलो कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. आइए लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड समझे. जब लैब में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर करना है तो आपका सेटअप कुछ इस तरीके से होना चाहिए. ग्लास का रिटॉर्ट, ग्लास का बीकर होना चाहिए, रबर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मेटल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला एजेंट है. एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर सकता है, बर्न कर सकता है. चलिए क्या करेंगे, आइए समझते हैं. तो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए आपको इक्वल वेट ऑफ नाइटर, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, या चिल एक्चुअली सॉल्ट पैटर जिसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों में से कोई भी सॉल्ट लेंगे, सेम रिएक्शन हो रहा है, सेम कंडीशंस हो रही हैं. तो आप दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को ले लेंगे और साथ में लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड ही लीजिएगा, और हीट करेंगे लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक. किसमें, ग्लास रिटॉर्ट में. आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है. तो पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम नाइटर कहते हैं रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड, और आपको मिल रहा है नाइट्रिक एसिड. याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो डेंस फ्यूम्स के रूप में, वेपर्स के रूप में फॉर्म हो रहा है. नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स इन द एयर. नाइट्रिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसीलिए क्या होता है वो एयर में ही क्या कर जाती है, फ्यूम कर जाती है. और यही रिएक्शन क्या होगा, जब चिले सॉल्ट पैटर्न का यूज करेंगे, दैट इज सोडियम नाइट्रेट का यूज करेंगे, तब भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड स्टिल येलोइश कलर की ही इसमें प्रोड्यूस होगी. आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रोड्यूस हो रही है, और नाइट्रिक एसिड वेपर्स के रूप में आ रही है, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड, यस आइस कोल्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बियॉन्ड 200 डिग्री नहीं जाना चाहिए. आइए और कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं. तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले आता है कि ग्लास अपरेटस यूज करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अटैक कर सकता है रबर, और अटैक करना मतलब हमला, रिएक्ट कर जाएगा. और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, आप ये पूछेंगे लैब प्रिपरेशन में, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सर क्यों यूज कर रहे हैं. तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये खुद भी एक वोलेटाइल एसिड है, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद भी वेपर बनके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. तो क्या फायदा होगा,
जब ये खुद भी वेपर बन जाएगा और नाइट्रिक एसिड भी वेपर बन जाएगा, क्या आप दोनों को कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वेपराइज नहीं करता है, ये एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। अब आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर 200 डिग्री से कम होना चाहिए वरना नाइट्रिक एसिड फिर से ब्रेक कर जाएगी, अर्थात ब्रेक डाउन डिकम्पोज हो जाएगी और वापस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगी, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा हीट करने का नुकसान यह भी है कि आपकी एनर्जी या हीट लॉस हो रहा है और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्रस्ट के रूप में वॉल्स में स्टिक भी कर जाएगा, तो सारा तरह से नुकसान ही नुकसान है हाई टेम्परेचर में यूज करने के लिए। तो आपने लैब प्रिपरेशन तो कर दिया जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर पा रहे थे लैब की जरूरत भर के लिए, पर अगर बड़े क्वांटिटी में आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने के लिए, एसिड अदर एसिड्स प्रोड्यूस करने के लिए, डाइस प्रोड्यूस करने के लिए और ढेर सारे केमिकल्स बनाने में काम आता है नाइट्रिक एसिड, तो तब मैन्युफैक्चर करना पड़ता है बड़ी क्वांटिटी में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये आपको कंडीशंस और रिएक्शंस के साथ याद करना है, प्लीज नोट करिए, इसमें कंडीशंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए और सारे रिएक्शंस आने चाहिए। क्या करना है आइए देखते हैं। आप एक एपरेटस का सेटअप देख लीजिए, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या करना है, 10:1 के वॉल्यूम में 10 वॉल्यूम ऑफ ड्रायर एंड ड्राई अमोनिया, 1 वॉल्यूम 10:1 के वॉल्यूम में आपको एक चेंबर में लेना है, पहला इसको पास करना है कैटलिटिक चेंबर में, कैटलिटिक चेंबर का टेम्परेचर 800 डिग्री होना चाहिए और इसमें मौजूद होगा प्लेटिनम एस कैटलिस्ट। आइए क्या रिएक्शन में आएगा, अमोनिया और ऑक्सीजन, यस अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और खूब सारी हीट। जो ये एक्सेस हीट पैदा हो रही है आपको इसको क्या करना है, कूल करना है। तो अगला चेंबर चला जाएगा कूलिंग में, जिसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बन जाएगी। साथ में मैंने कहा था इसको कूल करना पड़ेगा, कूलिंग और कन्वर्जन ऑक्सीडेशन, कूलिंग करना है और ऑक्सीडेशन करना है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या करना है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड में जब वाटर ऐड करेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ये फॉर्म करेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को 68% तक हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कितना तक, 68% तक। अब आप चाहते हैं नहीं नहीं ये नाइट्रिक एसिड बहुत प्योर नहीं है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो आप सोचेंगे कि इसको हीट कर दिया जाए, नाइट्रिक एसिड में पानी बहुत मिलाया गया है तो हीट कर दें ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। नहीं नहीं, 121 डिग्री इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर टेम्परेचर है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है जहां 121 डिग्री आते ही नाइट्रिक एसिड भी वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर भी निकलने लगेगा, मतलब उसके बियॉन्ड वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। तो क्या तरीका है, आइए समझते हैं, नाइट्रिक एसिड को अगर आप और कॉन्सेंट्रेटेड करना चाहते हैं तो नाइट्रिक एसिड को 98% जिसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, फ्यूमिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इतने कॉन्सेंट्रेशन में तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, याद होगा ये हाईली वोलेटाइल एसिड है, तो ये हाईली वोलेटाइल एसिड होने की वजह से फ्यूम करने लगेगा जब इसको हम पास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ध्यान होगा सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एसिड, हाँ पानी को कलेक्ट कर लेता है, रिमूव कर लेता है कंपाउंड से भी, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के पानी को ये क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम 100% चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अब 100% कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई करने के लिए आपको इसको 100% बनाने के लिए कूल करना पड़ेगा और स्ट्रांगली कूल करना पड़ेगा अप टू -42 डिग्री, -42 डिग्री इसका लोएस्ट टेम्परेचर है जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और 100% कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। चलिए ये रहा उसका फ्लो चार्ट, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक में आपको पूरे रिएक्शंस और कंडीशंस करते हैं। अच्छा जितना मैं बता रहा हूं इसमें रिएक्शन और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं कह रहा हूं उसको आप एब्सोल्युटली लिख करके याद कर लीजिएगा, उसके अलावा सारे रिएक्शंस को आप इग्नोर कर दीजिएगा जिसको मैं पर्सनली कह रहा हूं, इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन भी आपके लिए आ रहा है अब कि नेम वन एसिड विच कैन रिएक्ट विथ गोल्ड एंड प्लेटिनम, यह मत कह देना कि नाइट्रिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, वन एसिड विथ रिएक्ट विथ बोथ गोल्ड एंड प्लेटिनम, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मैं वेट करता रहूंगा आपके कमेंट्स का। चलिए जब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं, और नहीं आता है तो भी पूरा वीडियो देखिए और आता है तो चेक करिएगा हमारे साथ कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड बड़े कमाल का एसिड है, आफ्टर सल्फ्यूरिक एसिड मुझे लगता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रिक एसिड सारे लैब्स में। हाँ लैब में जाया करिए, थोड़ा देखा करिए, थोड़ा यूजेस समझा करिए, देखिए किस तरीके से इसको स्टोर किया जा रहा है, कैसे इसको प्रिजर्व किया जा रहा है, बॉटल में रखा गया है, जब आप देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। प्योर नाइट्रिक एसिड होगा तो वो कलरलेस होगा, पर जो आपके स्कूल में नाइट्रिक एसिड है, हाँ जो आपकी लैब में नाइट्रिक एसिड, वो कलरलेस नहीं है, वो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड है, 68% कॉन्सेंट्रेशन वाला है और येलोइश है। आप जानते ही हैं क्यों येलोइश, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
और स्मेल कैसे आती है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक सफोकेटिंग ऑर्डर वाला है, मतलब सांस आपके घुटने लगेगी, इसीलिए प्लीज सूंघने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा। और टेस्ट, हर एसिड सो टेस्ट होता है, तो टेस्ट होगा सो टेस्ट, एसिडिक टेस्ट। और क्या नेचर है इसका? ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाला एसिड है, मतलब एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है, और ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फ्यूम में एयर कर जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा भी हीट होने पर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल एसिड उड़ जाएगा भाप बन करके। इसका मतलब है अगर आपने लैब में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ढक्कन रिमूव कर दिया, उसका स्टॉपर हटा दिया, करना नहीं है, तुम लोगों को बता दे रहा हूं, ये बदमाशी नहीं होनी चाहिए। क्या लैब में अगर तुमने नाइट्रिक एसिड का स्टॉपर रिमूव कर दिया, 2 दिन बाद आओगे सारी नाइट्रिक एसिड। अच्छा, कभी कभी ये महसूस किया लैब में जाओ तो कुछ अजीब सी स्मेल आती रहती है, ये इसी सब वजहों के है। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, तो वो ही आपके लैब में मौजूद होते हैं, वो जो महक आ रही होती है आपको, हाँ लैब में पास से भी गुजरी तब भी आपको आती रहती है। तो नाइट्रिक एसिड की बोतल हमेशा स्टॉपर्ड होनी चाहिए, अर्थात हमेशा ऊपर से बोतल बंद, स्टॉपर लगा होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है? वैसे तो ये नॉन पॉइजनस है, जहर नहीं है इसके अंदर, बट अगर आपकी स्किन से नाइट्रिक एसिड टच कर जाएगा तो आपकी स्किन में एक ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, हाँ थोड़े से फफोले टाइप का फॉर्म हो जाएंगे। जब ये स्किन से रिएक्ट करता है तो येलो रंग के दाग पैदा कर देता है, स्किन के जिस भी पार्ट से रिएक्ट करता है वहां येलो कलर फॉर्म हो जाता है। और क्यों? बिकॉज ऑफ ज़ेंथोप्रोटिक एसिड, स्किन के प्रोटीन और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी स्किन के प्रोटीन से भी रिएक्ट कर जाता है, समझ गए? अब आते हैं सॉलिबिलिटी। तो नाइट्रिक एसिड पानी में सॉलिबल है इन ऑल प्रपोर्शन, और अगर आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड सिर्फ और सिर्फ 86 डिग्री पे, पानी से भी कम, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करता है, ये 86 डिग्री पे ही बॉईल कर जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट -42 डिग्री, याद होगा आपको, जिसमें वो 100% कॉन्सेंट्रेट हो सकता था। नाइट्रिक एसिड और वाटर एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है 121 डिग्री पे, इसका मतलब है 121 डिग्री के बियॉन्ड अगर आप हीट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड भी वेपर बनता रहेगा और वो फर्दर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, और वो है अप टू 68 डिग्री। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड एक हाईली अनस्टेबल एसिड है। अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीट लगने से, सनलाइट लगने से ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, हाँ ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको याद होगा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर के साथ, और उसी में वो वापस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए कि वापस नाइट्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन ना कर जाए, इसको एक कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, यूजुअली डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, ओपन कलर यस, या व्हाइट बॉटल्स में यूजुअली नहीं रखते हैं। और व्हाइट वाला बॉटल तो वैसे भी मैंने कहा था वो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड को बचाना है। कुछ प्रॉपर्टीज जिससे पता चले कि नाइट्रिक एसिड एसिड है, क्या सबूत है कि नाइट्रिक एसिड एसिड है, तो मैंने कहा टेस्ट कर लो। तो नाइट्रिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, पहला चीज। ये मोनोबेसिक क्या होता है? एक ऐसा एसिड विच ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोनियम आयंस, जो एक हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करे वो मोनोबेसिक एसिड है। इसका मतलब है ये एक सिंगल सॉल्ट बनाएगा। अच्छा, जब ये पानी में आयनाइज करता है तो कंप्लीटली आयनाइज करता है, जिससे पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत रिएक्टिव एसिड है। और कैसे टेस्ट करें एसिडिक चीज का? तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, इसीलिए BLR, ब्लू लिटमस इज चेंज टू रेड। आप जानते हैं ब्लू टू रेड एसिडिक प्रॉपर्टी की पहचान है। और या तो आप क्या करिए, मिथाइल ऑरेंज का यूज करिए। मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है, एक इंडिकेटर है, अगर मिथाइल ऑरेंज में एसिड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा, अगेन टेस्ट हो गया कि एसिडिक है। एंड तीसरा फिनोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन जो कि कलरलेस केमिकल होता है, उसमें अगर एसिड मिलाएंगे, नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे, वो स्टिल रिमेन्स कलरलेस, तो फिनोक्सिलिन रिमेन्स कलरलेस। टेस्ट हो गया कि ये कैसे देखें, और टेस्ट करें। आइए कुछ और एसिड्स की पहचान होती है, हर एसिड ऐसा ही करते हैं, जैसे एसिड्स अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर ओनली। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, किस रिएक्शन को, जब एसिड्स अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, आपको बताना है, आपको यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए व्हाट इज दैट रिएक्शन कॉल्ड। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का और हर एक कमेंट को जवाब जरूर दूंगा, वो भले लाइक के साथ, टिक के साथ ही हो सकता है। आगे और क्या करता है, लाइक ऑल एसिड्स ये भी क्या करता है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है, जैसे सारे एसिड्स करते हैं वैसे ये भी करता है। और जैसे सारे एसिड्स मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स, मतलब वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे ये भी कर रहा है। ध्यान ये देने लायक बात है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट्स जरूर प्रोड्यूस करेगा, क्या नाइट्रेट्स जरूर प्रोड्यूस करेगा। अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जिसको आपको रिएक्शन सहित याद करना है, दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न एंड राइट, लिख करके याद कर लीजिएगा। क्या प्रॉपर्टी है इट्स नाइट्रिक एसिड की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कहां से आ रही है, क्या है इसका मतलब? तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है मेटल्स को भी, नॉन मेटल को भी, ऑर्गेनिक को भी, इनऑर्गेनिक को भी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, समथिंग विच एड्स
ऑक्सीजन टू अनदर कंपाउंड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गया ना। HNO3, देखिए O कितना है, थ्री टाइम्स, O का वॉल्यूम क्या है, थ्री एटम्स हैं O का, इसीलिए तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आई कहां से, नेसेंट ऑक्सीजन के आई। इसका मतलब है जब नाइट्रिक एसिड डीकंपोज करता है तो वो O प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। O2 नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं, ये नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आइए, इस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। जैसे स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन है कार्बन के साथ, कार्बन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन देखिए बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया ना ऑक्सीडाइज, एडिंग ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कर दिया ना, तो ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या प्रोड्यूस किया, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ भी करते हैं, सल्फर ये भी एक नॉन मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, सो इन दिस वे हम कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड कैन बी यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है सल्फर को और वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आपने देखा ये नॉन मेटल को भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, हाँ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है नाइट्रिक एसिड। तो ये तो हो गया, अगर ये नॉन मेटल के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेटल के साथ, हाँ, हर एक मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, सही सुन रहे हैं आप, हर एक मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। अब रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम से नहीं हो सकता है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, कहीं आपने नाइट्रिक एसिड तो नहीं सोचा था उस समय, ना ना, मैंने कहा था नेम एन एसिड विच रिएक्ट्स विद गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो, नाइट्रिक एसिड नहीं कर पाता है क्योंकि ये नोबल मेटल्स है। बट और कुछ एग्जाम्पल पढ़ता हूं, कॉपर के साथ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, इस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉपर को रिएक्ट करेगा और कॉपर से कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एक अनस्टेबल सा कंपाउंड है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहा है। अगला रिएक्शन देखिए, जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है इस समय नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इस बार क्या करेगा, ये फिर से कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, पर गैस के रूप में इस बार गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। देखा, जब आपने यूज किया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन आपको आने चाहिए। और किसी मेटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, निकल कोबाल्ट सबके साथ रिएक्ट कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबके साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर देगा, पर सबके साथ एक ही चीज फॉर्म करेगा, क्या, एक थिन इनसॉल्युबल मेटलिक ऑक्साइड। मतलब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कहां फॉर्म करेगा, उस मेटल की सरफेस पे, मेटल के टॉप पे फॉर्म कर देगा, उससे क्या होगा, उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक ऊपर की लेयर क्या बना देगी, उस मेटल को पैसिव बना देगी, समझ गए, इसका मतलब है अब फर्दर रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, तो इससे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, कब स्टॉप हो जाएगा, जब ये मेटल को ऑक्सीडाइज करके मेटलिक ऑक्साइड बना देगा और उसके बाद रिएक्शन बंद। तो अब फर्दर करना चाहते हैं तो, इस पैसिविटी को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं ये मेटल फिर रिएक्ट कर जाए तो आपको मेटल को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल करके ऊपर से रब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो इसको रब करना पड़ेगा विद सैंड पेपर उस मेटल को ताकि उसकी पैसिविटी रिमूव हो जाए, और या तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा दो ताकि फिर से क्या हो जाए, वो मेटल में वापस कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, नाइट्रिक एसिड से, तो उसे वो ऑक्सीडाइज जरूर करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है भाई उसकी। अब एक ही प्रॉब्लम है कि जब जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ मैंने कहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो जो हाइड्रोजन पड़ना होता है मेटल्स के साथ, मेटल और एसिड जब जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, बट ये क्या करता है, उस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, बताया था ना कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी यही चल रहा है। तो कोई ऐसा मेटल है जिसके साथ ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, जवाब है हाँ, यस, ओनली टू मेटल्स, सिर्फ दो ऐसे मेटल्स हैं जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, आइए, जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नहीं चाहिए, वेरी डाइल्यूट चाहिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम और मैंगनीज, देखिए दोनों भाई हैं, दोनों एम, मैंगनीज मैग्नीशियम एमएम, ठीक है, दोनों एमएम से याद कर लीजिए, रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करेंगे तो ही हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, ये सेम रिएक्शन दोनों में होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, देखा ये पहली बार ऐसा हो रहा है,
ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, वरना मैंने कहा था कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन ना बना करके उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसका मतलब है यहां पर अगर हम लोग मैंगनीज लिख दें, एमएन लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी क्या हो जाएगा, मैंगनीज नाइट्रेट बन जाएगा बस। तो इसका मतलब है विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या प्रूव करता है यह रिएक्शन? तो यह रिएक्शन भी साबित करता है कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है। अगर आपको, वैसे तो मैंने कहा नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नहीं बना रहा था, और किसी भी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है, पर इस रिएक्शन से साबित हो जाएगा कि नाइट्रिक एसिड ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। रिएक्शन इसका भी आप याद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बनाता है, खुद तो स्ट्रॉन्ग वाटर है, एक्वाफोर्टिस है, पर एक और एसिड का इस्तेमाल करना है इस बार। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपको कुछ समय पहले मैंने पूछा था, गिव वन एसिड विच रिएक्ट्स विद गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो, आ गया आपका जवाब, तो एक्वारीजिया, उस एसिड का नाम है एक्वारीजिया। ये क्या है? रॉयल वाटर। अरे ये तो उसका नाम है, तो कैसे बना? अगर 1:3 के वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करें, मतलब एग्जांपल के रूप में अगर 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में 3 लीटर, ध्यान दीजिएगा 1:3 का इस्तेमाल किया, 3 लीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो बन जाएगा एक्वारीजिया, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड, रॉयल वाटर मैंने इसका नाम दिया। और ये मिक्सचर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड प्लेटिनम को भी रिएक्ट कर जाता है। अब जवाब आता है, सर अब गोल्ड प्लेटिनम वैसे तो नहीं रिएक्ट करते थे किसी एसिड के साथ, इसके साथ क्यों रिएक्ट कर जाते हैं? क्योंकि इसमें मौजूद है नेसेंट क्लोरीन। क्या मौजूद है इस एक्वारीजिया में? ये है इसके अंदर मौजूद नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करती है? गोल्ड और प्लेटिनम को भी रिएक्ट करा देती है। क्लियर है? आइए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, अब आपको आगे देखना है। नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेटल्स लाइक कॉपर को, ब्रास को इचिंग में भी काम आता है, मतलब ऊपर से डिजाइन करने के काम आता है, और हेल्प करता है प्यूरिफाई गोल्ड करने में। ये रॉकेट्स में फ्यूल के रूप में ऑक्सीडेंट है ना भैया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन है, इसीलिए रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है, और नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है, नहीं नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, ड्रग्स एंड डाइज बनाने के काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के भी काम आता है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, रिमेंबर। और टेस्ट क्या है इसका, आइए देखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का सबसे आसान पहचान है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो खुद ही रूम टेम्परेचर पर क्या होने लगेगा, फ्यूम करने लगेगा, इसलिए मैंने कहा था ये एक वोलेटाइल एसिड है, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, भाप बनके उड़ने लगेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगेगा। और ब्राउन रिंग टेस्ट तो एक जबरदस्त टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या करना है, देखिए एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट लेना है। फेरस मतलब होता है आयरन टू सल्फेट, फेरिक मत लीजिएगा, फेरस सल्फेट लीजिएगा। सर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेंगे? अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लेंगे तो फेरस क्या करेगा, अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेगा, इसीलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। ठीक है, फेरस सल्फेट में क्या ऐड करना है, नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर अब दो चीजें रखी हैं, फेरस सल्फेट रखा है पहला मैंने कहा, दूसरा क्या रखा है, फेरस सल्फेट के साथ साथ इसमें नाइट्रिक एसिड है। ये दो कंपाउंड जब रिएक्ट कर जाएंगे तब इन दोनों के बाद क्या होगा, आपको ग्लास के साइड से यहां से क्या करना है, डिलीवर करना है, ड्रॉप वाइज क्या करना है, पोर करना है, इसमें क्या पोर करना है, ग्लास के साइड से सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर जाएगा यहां पर, तो इनके जंक्शन में जहां ये दोनों मिल रहे हैं यहां पर इस जगह प्रोड्यूस करेगा ब्राउन फ्यूम। यहां जो ब्राउन फ्यूम पैदा होगी वो इस कंपाउंड की वजह से होगी जिसका नाम होगा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। ये बहुत ही अनस्टेबल सा कंपाउंड है, हल्की से भी हीट आने पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट ब्रेक हो जाएगा। ये ब्राउन रिंग का बनने का कारण है, जो ब्राउन रिंग बना है दोनों के जंक्शन में, सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर है और नीचे क्या है, फेरस सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड है। ध्यान दिया आपने, ये भी टेस्ट है, टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। अब क्या हो, आपकी लैब में आप जाएंगे, आपको ये रिएक्शंस लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, मतलब इसमें एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए चार तरीके से नाइट्रेट्स रिएक्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स चार टाइप के हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चार नाइट्रेट्स आपके लैब प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल हुए थे जब आप लैब में गए थे। पहला नाइट्रेट वो टाइप का है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव नाइट्रेट है, स्पेशली सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अल्कली वाले नाइट्रेट, इनको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं याद करना है, ठीक है, क्या कन्वर्ट हो रहा है इसको ध्यान देना है। तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि हीट होने पे कलरलेस लिक्विड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कलरलेस लिक्विड फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये रहा वो कलरलेस लिक्विड, जैसे सोडियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन गैस।
समझ गए, ये है इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होते हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों यही कर सकते हैं। उसके बाद वाले नाइट्रेट्स कौन कौन से हैं, जैसे उसके बाद वाले नाइट्रेट्स में कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है, इसको जब स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो व्हाइट रंग के सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये जो सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है व्हाइट कलर का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, साथ में रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये जिंक ऑक्साइड करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जिसकी पहचान बहुत आसान है, ये येलो एंड हॉट होता है और व्हाइट ऑन कूलिंग होता है। हाँ, अब याद आ गया, जिंक होगा कंफर्म, क्योंकि जिंक की पहचान है हॉट रहने पे येलो और कूल हो जाने पे व्हाइट, और साथ में प्रोड्यूस करेगा रेडिश ब्राउन फ्यूम और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट के साथ क्या होने वाला है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ येलो कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जो येलो कंपाउंड है वो है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रिक डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या होगा अगर कॉपर के साथ करें, कॉपर अगर हीट करेंगे तो ब्लैक रंग का कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, ये ब्लैक कंपाउंड होगा कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, साथ में ब्राउन गैस प्रोड्यूस करेगा। सिल्वर और मर्करी इनके भी नाइट्रेट्स हो तो क्या होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट अपने मेटल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर सिर्फ मेटल प्रोड्यूस हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट रिड्यूसेस टू सिल्वर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली मर्करी नाइट्रेट एंड लास्ट नाइट्रेट नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर स्ट्रॉन्गली हीट किया तो प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक डाइनाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब है कि ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं बनेगा, ये लाफिंग गैस है। कौन सी गैस है, अगर कहीं तुम्हारे रूम में छोड़ दी जाए तो हंस हंस के तुम लोटपोट हो जाओगे। क्या नाम है इसका, लाफिंग गैस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा अमोनियम नाइट्रेट के केस में। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर नाइट्रिक एसिड एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस। हमने सब कुछ आपके लिए लेटेस्ट बनाया है एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री, आपने कहा और हमने बनाया, और मेरी एक ही कोशिश है कि आपको ये सारे चैप्टर्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये सारे नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है सब तरह पानी, और जाएं और यूज करें, सारा कुछ फ्री मटेरियल में अवेलेबल होगा। बाय, टेक केयर, बाय, सी यू।